डिप बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम कर लें और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद पानी ऐड कर दें, साथ ही ऐड कर देंगे सोया सॉस, चिली फ्लेक्स, शक्कर और नींबू का रस। इन्हें मिक्स कर दें और एक मिनट के लिए पकाएं। इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेने के बाद छान लें और फिर ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, भुना हुआ तेल, हरी प्याज और लहसुन। इसे मिक्स कर दें। डो बनाने के लिए मैदे में नमक ऐड कर दें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसे कवर कर दें और आधे घंटे के लिए रख दें। स्टफिंग बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके ऐड करेंगे लाल शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, हरी प्याज और पिसी हुई काली मिर्च। इन्हें मिक्स कर दें और दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। इसके बाद ऐड कर दें नूडल्स, सोया सॉस और नमक। इन्हें मिक्स कर दें। आधे घंटे के बाद आटे को एक बार फिर से गूंथ लें और बराबर भागों में डिवाइड कर दें। अब इसे पूरी की तरह बेलें। स्प्रिंग रोल रैपर्स बनाने के लिए एक बार में 5 लेयर्स का इस्तेमाल करेंगे। 5 लेयर्स बेल लेने के बाद अब एक लेयर के ऊपर तेल लगाएं। इसके ऊपर दूसरी लेयर रख दें। अब इसके ऊपर भी तेल लगाकर तीसरी लेयर रख दें। इस तरह से हम पांचों लेयर लगाएंगे। अब इसे बेल लें। इसे मीडियम फ्लेम पर तवे पर कुछ सेकंड्स के लिए पकाएं। ज़्यादा देर नहीं पकाएं, नहीं तो फोल्ड करने में परेशानी होगी। इसे ठंडा करके लेयर्स को अलग कर लें। रोल्स के किनारों को सील करने के लिए मैदे और पानी से एक पेस्ट तैयार करेंगे। अब एक शीट के ऊपर स्टफिंग रखें और जिस तरह से मैंने रैप किया है उस तरह से करें। इन्हें लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक शैलो फ्राई करें। इन्हें डिप के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।